देखिए, हम जो करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन हमारा परिवार कब जुड़ेगा या हमारी आने वाली जनरेशन कब जुड़ेगी? तो ये 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं वो वही जनरेशन है ना, जो हमारे बाद जिसको इससे कनेक्ट होना चाहिए कि इस जाति के लिए, इस बिरादरी के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए उन्हें भी कुछ करने का प्रोत्साहन मिले। यानी उनके एजुकेशनल प्रोत्साहन के साथ साथ हम उनमें सोशल अवेयरनेस और सोशल प्रोत्साहन भी पैदा करते हैं। इसलिए 10वीं 12वीं के बच्चों का जैसे महाराष्ट्र में कर रहे हैं, वैसे ही दूसरे प्रदेश में दूसरे संगठन भी करें। ये हमारी यानी सर्वसाधारण अपील सबसे है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय मरोल में है और यहाँ पे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ द्वारा आज 10वीं और 12वीं के जो बच्चे पास हुए उनका सम्मान समारोह किया गया। आपको बता दें, ये लगातार 3 सालों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को जिन्होंने करने के लिए कहा वो हमारे साथ बैठे दिनेश राजभर जी, एडवोकेट दिनेश राजभर जी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पदाधिकारी भी हैं और इन्होंने वो फोर्स किया था कि राजभर समाज के बच्चों को प्रोत्साहन देने के तौर पे उनके उनका सम्मान करना चाहिए। तो लगे पिछले 3 सालों से यह सम्मान बच्चों का किया जा रहा है 10वीं 12वीं का। तो मिलते हैं दिनेश राजभर जी से और जानेंगे 3 सालों में, अब आज ये 3रा साल था, कैसा रहा यह कार्यक्रम। कार्यक्रम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के जो वर्तमान पदाधिकारी हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और जब हम लोगों ने पहली बार, यानी ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के मंच से पहले बच्चों को पुरस्कृत नहीं किया जाता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले भी पुरस्कृत किया जाता था। हम भी कभी बच्चे थे तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के मंच से हम भी पुरस्कृत हुए लोग हैं। लेकिन जो आपने कहा स्पेशल, तो ये है कि 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव रूप से जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई इस नई कार्यकारिणी में के दौर में शुरू की गई। पहली बार हम लोगों ने जुलाई में कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में तकरीबन 10वीं और 12वीं के मिला के 31 बच्चे आए थे और वो कार्यक्रम सफल हुआ। और उसके बाद से हमें हर वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो रही है। आज हमारे पदाधिकारियों ने, शाखाओं के पदाधिकारियों ने लोगों के बीच में जिस तरह से मैसेजिंग किया सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं संपर्क करके, तो उसके माध्यम से हमारे पास लगभग 70 वर्ष बच्चों से ज़्यादा, यानी 10वीं और 12वीं के मिला के 70 से ज़्यादा बच्चों के नाम आए। अभी भी ऐसे नाम होंगे जो हमारे भी संपर्क में नहीं आए होंगे और हम उनके संपर्क में नहीं पहुंच पाए। और इससे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ को जिस तरह से हम लोगों ने आंकड़े हमारे पास आए, उस आंकड़ों को देखने के बाद कि हमारे भी बच्चे 92% तक जा सकते हैं, जा रहे हैं, हमारे पास जो आई लिस्ट है उसमें 92% तक के बच्चे हैं एसएससी वाले, 80 के ऊपर तो कई बच्चे हैं, पास क्लास के भी बच्चे हैं, लेकिन 80 के ऊपर वाले भी बच्चों की बहुतायत हमारे समाज में है। इसका मतलब है कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं और ये अच्छी बात है। जैसे कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की तरफ से यह कार्यक्रम 3 सालों से किया जा रहा है, और संगठन, आप जैसे संगठन में और संगठनों से क्या आज जिस हिसाब से आपने हौसला अफजाई किया, बच्चों को एक प्रोत्साहन दिया कि आप आगे बढ़िए, बाकी संगठनों में ऐसा देखने को नहीं मिलता, तो आप अदर संगठन से क्या निवेदन करेंगे बच्चों के लिए? हमारे बिरादरी के जितने भी संगठन हैं, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र में काम करता है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सीमाएं खाली महाराष्ट्र तक सीमित है। ठीक है, कागजी सीमा है, रजिस्ट्रार हमारा महाराष्ट्र के हैं, तो लेकिन हम दूसरे जितने भी संगठन हैं बिरादरी के, जो अलग अलग जगहों पे जो भी संगठन हमारे काम करते हैं, वो भी अपने अपने तय कुछ ना कुछ करते ही होंगे। लेकिन जैसा आपने कहा, तो मैं वास्तव में कहूँगा कि हम लोगों के पास भावनाएँ बहुत हैं, हमारे समाज के लोगों में जो संगठन चला रहे हैं उनके अंदर भी भावनाएं बहुत हैं और पॉजिटिव भावनाएं हैं, लेकिन हम लोग उसको एक रूप नहीं दे पाते।
नियोजन नहीं कर पाते हैं, यानी सोच अलग अलग होती है, यानी मल्टीपल सोच से हम लोग चलते हैं। तो लेकिन हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोगों को इस दिशा में भी काम करना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र में कर रहा है, तो मैं राजभरों के सारे संगठनों से आग्रह करूँगा कि अपने अपने ज़िले में या अपने अपने प्रदेश में उन्होंने 10वीं 12वीं के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी देख के, जैसे अभी हमारे यहाँ जो 10वीं और 12वीं के बच्चे आए, तो 12वीं के जो बच्चे आए तो उनको देख के उन 10वीं के बच्चों को भी तो प्रेरणा मिल रही है कि इस 12वीं के बच्चे ने 92% लाया, तो जो 10वीं का बच्चा है वो भी ये सोचेगा कि हम में भी है। और इसके अलावा ऐसा है कि इन प्रोत्साहन कार्यक्रमों के जरिए हम कुछ तो गाइडलाइन दे लेते हैं बच्चों को, और बच्चों की कनेक्टिविटी समाज से होनी चाहिए, बिरादरी से रहनी चाहिए कनेक्टिविटी, इसलिए भी ये आवश्यक है। यानी इसका दोहरा फायदा है, एक तो जैसे हम लोग समाज में हर व्यक्ति जो सामाजिक संगठन से जुड़ा है, हम में से सब कहते हैं क्या काम कर रहे हो, बिरादरी का काम कर रहे हैं, बिरादरी का काम कर रहे हैं, संगठन में हैं, लेकिन संगठन में हम करते क्या हैं, ये एक बात हो जाती है। लेकिन हम जो करते हो तो करते हैं, लेकिन हमारा परिवार कब जुड़ेगा या हमारी आने वाली जनरेशन कब जुड़ेगी? तो ये 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं वो वही जनरेशन है ना, जो हमारे बाद जिसको इससे कनेक्ट होना चाहिए कि इस जाति के लिए, इस बिरादरी के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए उन्हें भी कुछ करने का प्रोत्साहन मिले। यानी उनके एजुकेशनल प्रोत्साहन के साथ साथ हम उनमें सोशल अवेयरनेस और सोशल प्रोत्साहन भी पैदा करते हैं। इसलिए 10वीं 12वीं के बच्चों का जैसे महाराष्ट्र में कर रहे हैं, वैसे ही दूसरे प्रदेश में दूसरे संगठन भी करें, ये हमारी यानी सर्वसाधारण अपील सबसे है। अब किसी के लिए बाध्यता नहीं है, हर संगठन की अपनी अपनी लक्ष्य हैं, उनके उद्देश्य हैं, वो या उनके कार्यप्रणाली है, वो उसके अनुसार तय कर सकते हैं। हम जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जैसे हम संदेश देते हैं, वैसे ही सभी बच्चों के लिए एक ही संदेश है, चाहे 10वीं 12वीं के बच्चे हों, 8वीं 9वीं के प्राइमरी के हैं। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, यही संदेश है बच्चों को। और माँ बाप को भी एक संदेश है, हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, ड्रॉपआउट्स की संख्या होती है, तो ड्रॉपआउट्स हमारे बच्चे न हो इसका ख्याल इन पेरेंट्स ने करना है। ये पेरेंट्स को इस बात का ध्यान देना है कि उनका बच्चा जिस तरह से 10वीं में पास किया, उसी तरह से उससे अच्छे अंकों से 12वीं पास करे, और उससे अच्छे अंकों से ग्रेजुएशन करे। और ये तो हो गई कि दूसरे संगठन क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम तो कहेंगे अभी, यानी अध्यक्ष महोदय से मैंने बात भी की है, और आप लोगों के माध्यम से मैं पूरी बिरादरी सभी संगठनों के लोगों से आग्रह करूंगा कि 10वीं 12वीं ही नहीं बल्कि ग्रेजुएट बच्चों के भी स्वागत सत्कार का कार्यक्रम रखना चाहिए। और हो सकता है कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ आगामी वर्षों में स्पेसिफिक रूप से ग्रेजुएट बच्चे जो कला के क्षेत्र में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में जिस तरह से डिग्री पाते हैं, तो क्योंकि इन होनहार बच्चों को न हम देख पाते हैं, न हमारा समाज देख पाता है, वो सब हमसे भी कटे हो जाते हैं, हमारे गौरव की चीज़ें हैं, तो उन गौरव की चीज़ों को हम क्यों न मनाएं, उनको हम उस गौरव का हम भी आनंद उठाएं, और उन बच्चों को भी गौरवान्वित होने का मौका दें, और उनके गौरव से, उनके सक्सेस से हम भी गौरवान्वित महसूस करें, समाज भी गौरवान्वित महसूस करें। इसलिए 10वीं 12वीं के बाद हमारी सोच तो ये है कि हमारा अगला स्टेप ग्रेजुएट या स्नातक परास्नातक बच्चों के स्वागत सत्कार का भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।